किसी भी देश या क्षेत्र के विकास में उसके यहाँ मौजूद प्राकृतिक संपदा का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी की बदौलत कोई देश या राज्य अपनी तरक्की की सीढ़ी को चढ़ता है, विकास के पैमाने पर खरा उतरता है। क्षेत्र की गरीबी अमीरी इसी की बदौलत आंकी जाती है। हमारा बिहार भी ऐसा ही पिछड़ा है। यहाँ ना तो प्राकृतिक संपदा का भंडार है, ना ही यहाँ की सरकार अब तक उस तरह के क्षेत्र का विकास कर पाई है। बिहार में उद्योग को भी बढ़ावा देने में सरकार ने तत्परता नहीं दिखाई और ना ही यहाँ की जनसंख्या को नियंत्रण में लिया। ऐसे में बिहार का पिछड़ना लाजमी है, लेकिन अब बिहार विकास के पैमाने पर अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा, ये संभावना जताई जाने लगी है। क्योंकि बिहार के बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के अलग अलग गाँव की जमीन के अंदर सैकड़ों टन सोना सहित कीमती खनिज के दबे होने का पता चला है, जिसको लेकर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम, जिसे अंग्रेजी में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, ने क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि जमीन के अंदर सोने के खजाने की पुष्टि आधिकारिक तौर पर अब तक नहीं की गई है, लेकिन चिन्हित जगहों पर सोने की खुदाई के मकसद से आगे की प्रक्रिया जरूर शुरू हो चुकी है, जो इस इलाके के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। जयपुर थाना क्षेत्र के लखरामा पंचायत अंतर्गत चंदेपट्टी गांव में सोना मिलने की उम्मीद जताई गई है, जबकि कटोरिया थाना क्षेत्र के बड़वासिनी पंचायत में बाघमारी गांव में भी अभ्रक सहित कीमती खनिज पदार्थ मिलने की संभावना को लेकर चार जगहों को चिन्हित करके जीएसआई की टीम जांच कर रही है। इलाके के बुजुर्गों का दावा है कि जयपुर थाना के चंदेपट्टी गांव में जिस तरीके पर मशीन लगाया गया है, उससे लगभग 150 मीटर दूरी पर अंग्रेज जमाने में ही जमीन की खुदाई की गई थी। ग्रामीणों की माने तो अंग्रेज जमाने में ही अंग्रेजों द्वारा पत्थर एवं मिट्टी को काट कर बड़ा गड्ढा यहां पर किया गया था। खनन किए गए गड्ढे का अवशेष अब भी यहां पर मौजूद है। कटोरिया के क्षेत्र के बाघमरी में कुल 4 पॉइंट चिन्हित कर मशीन से ड्रिल कर नमूना संग्रह किया गया है। जयपुर क्षेत्र में भी कई जगहों पर अन्वेषण कार्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर सोना, हीरा और कोयला होने की संभावना भी जताई जा रही है। जयपुर थाना क्षेत्र के चंदेपट्टी गांव निवासी मेघलाल यादव की खतियानी जमीन पर फिलहाल अन्वेषण कार्य शुरू है। इस कार्य में कई बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों और विशेषज्ञों की टीम को लगाया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम धरती के नीचे दबे सोने के अपार भंडार की खोज में पहुँच गई है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण टीम के चेहरे की चमक बता रही है कि उक्त स्थल पर पर्याप्त मात्रा में सोने का भंडार छुपा है। बांका जिले के कटोरिया प्रखंड स्थित जयपुर गांव में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण टीम ने सोमवार को सिंगल ड्रिल मशीन के जरिए लगभग 100 फीट ड्रिल किया। मंगलवार की सुबह से ही हैवी वाटर प्रेशर मशीन को कनेक्ट कर अन्वेषण कार्य शुरू किया गया है। अन्वेषण कार्य में लगे भूवैज्ञानिक अन्वेषण में निकले सामग्री को लैब टेस्ट के लिए संग्रह कर रहे हैं। स्थल पर पिछले 4 महीने में से केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण टीम के 5 सदस्य लगातार अध्ययन कर रहे थे। आप बाकी के तमाम खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।